ये हैं श्रीनगर के रहने वाले बिलाल अहमद। इन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी जमकर तारीफ हो रही है। जी हाँ, बिलाल अहमद ने सोलर कार का आविष्कार करके साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी है। लेकिन इस सोलर कार को बनाने के पीछे बिलाल अहमद की 13 साल की मेहनत है। बिलाल अहमद 13 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने सोलर कार बनाने का करिश्मा कर दिखाया। बिलाल अहमद की सोलर कार इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। कार की छत और दरवाजों पर बिलाल ने सोलर पैनल लगाए हैं। इन सोलर पैनल के जरिए ही कार में जो बैटरी लगाई गई है वो चार्ज होती है। सोलर पैनल्स इसमें आराम से चार्ज भी करेंगे दिन में, और यहाँ से आप इसका बैटरी पैक भी पूरा चार्ज होगा। मतलब ये ड्यूअल सिस्टम है, यानी कि 2-in-1। इसमें वो भी है, मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब हम चार्ज कर सकते हैं कहीं पर भी, घर या ऑफिस में, और यहाँ से सोलर पैनल से। वैसे तो बिलाल अहमद मैथ यानी गणित के टीचर हैं, लेकिन सोलर कार बनाने की जद्दोजहद साबित करती है कि वो साइंस की फील्ड में भी कितनी दिलचस्पी रखते हैं। क्योंकि सोलर कार बनाने में जो तजुर्बा उन्होंने किया उसमें 13 साल का वक्त लगा। सोलर कार का आविष्कार इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा, और जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही ये किफायती होने की वजह से लोगों की पहुंच में भी होगी। इसमें जो मैंने बैटरीज लगाए BMS, वो बहुत ही कम एज के बैटरी है। मतलब बहुत ही कम एज के बैटरी इतना मुझे माइलेज देती है। यूं ही मैं अगर इसमें लिथियम बैटरीज 200 AH या 300 AH तक लगाऊंगा तो ये बहुत ही आराम से माइलेज भी अच्छी देगी और ज्यादा। भविष्य की योजना को सामने रखते हुए बिलाल अहमद ने अपने इस नए इनोवेशन का पेटेंट भी रजिस्टर करा लिया है। दरअसल बिलाल अहमद सोलर कार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करना चाहते हैं। बिलाल अहमद ने साबित कर दिया है कि किसी काम को करने की लगन हो और मंजिल का पता हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। बिलाल अहमद अपने जज्बे से नौजवान पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं।